वहीं खबर बिहार के रोहतास से है, जहां पर आशा कार्यकर्ता संघ ने करगहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया है। इस दौरान सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के कक्ष में भी प्रवेश कर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि उन लोगों का कहना है कि सरकार ने वादा करके उन लोगों के मानदेय में वृद्धि नहीं की, मात्र 1,000 रुपये मानदेय की वृद्धि की बात की गई, उसे भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया। 1,000 रुपया 2018 में जो हम लोग को सरकार लागू किया था, अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और यहाँ तक कि अभी सिविल सर्जन साहब हैं, यहाँ जिला का भी कोई काम पूरा नहीं हुआ, ना टाइपिंग माइपिंग का भी काम प्रभारी कर रहे हैं और ना मेरे सिविल सर्जन का है, इसलिए हम लोग सिविल सर्जन का भी लेटर दे चुके हैं और सिविल सर्जन को भी 1 महीना का टाइम दिए हैं। 1 महीना के अंदर में हमारे सिविल सर्जन साहब यदि हमारी आशा का मांग 1,000 पारितोषिक के रूप में 1 महीना के अंदर में पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे, सिविल सर्जन ऑफिस बंद करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यावती पांडे, जिला अध्यक्ष। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।